बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमारी सरकार से गुहार है। चलो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है जन्माष्टमी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे। और प्यार से बोलिए जय बांके बिहारी लाल के। फ्रेंड कल थी हमारे यहाँ की हर छठ, मेरा व्रत था। आप लोगों को मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया कि हम लोग कैसे किए, और उसके बाद इतने ज़्यादा सर्दी जुकाम मुझे हुआ है कल परसों नाइट से ही, लेकिन कल तो इतना ज़्यादा था व्रत के बाद, जैसे उपवास छोड़ा हालत ख़राब हो गई थी। चाय पीने के बाद होश ही नहीं रहा, इतना सर दर्द थे। उसके बाद मेरे बच्चों की जिद है कि आज जन्माष्टमी पे कुछ खास बनाया जाए। डेली का रूटीन खाना उनको पसंद वैसे भी नहीं आता, कुछ ना कुछ आइटम चेंज होना चाहिए, लेकिन आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो मैंने छोले तो कई बार ट्राई किया है फ्रेंड, और ये देखिए चने भी बो के रखे हुए हैं इतने सारे, ये छोले के चने। और मैंने अभी आज तक, कहते हैं ना भटूरे मैदे के बनते हैं, मैंने खाए हैं लेकिन बनाए नहीं हैं। तो आज कोशिश करूँगी या ट्राई भी कि मैं भटूरे बनाऊँ, और बच्चों के लिए कुछ वही अलग होगा छोले के साथ। अभी देखिए क्या होता है। और मेरी तबीयत की वजह से मैं सुबह जल्दी आज उठी भी नहीं, सो नहीं रही थी, लेकिन शरीर में इतनी हरारत थी कि उठने का मन नहीं हुआ बिस्तर से। इसलिए हमारे यहाँ जो पीने का पानी आता है, आज हमारे यहाँ पानी भी नहीं है फ्रेंड, बस थोड़ा सा उस मटकी में पानी है। तो अब देखिए कि उसमें क्या हो पाता है क्या नहीं, जितना भी क्या करेंगे। और बाकी आप लोग मेरे किचन का हाल देख रहे हैं, अभी सारा काम पड़ा है। अभी तो मैं बर्तन की सफाई कर रही हूँ, बर्तन इतने सारे धुलना है, गैस से सब पूरी सफाई करना है घर की, उसके बाद नहाएंगे देखेंगे, फिर पूजा भी करनी है आज भगवान को, श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है। डेली करते हैं लेकिन आज कुछ उनके स्पेशल करेंगे, और फिर ये बनाकर उनके लिए भोग भी निकालना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, और मेरे कैसे बनते हैं छोले भटूरे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया और कैसे है आपको बताते हैं। फ्रेंड फाइनली हो गए सब नहा धोकर रेडी, पूजा भी हो गई और हमारा खाना भी बन रहा है। कैसा बने क्या फ्रेंड? फाइनली बन रहा है, मेरा खाना हो गया कुछ कंप्लीट, जो मैंने बोला था भटूरे, ये देखिए बन रहे गर्मा गर्म मेरे भटूरे। लेकिन सब्जी चेंज हो गई क्योंकि थोड़ा अभी पानी की आज प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो उसके लिए बन रही है ये देखिए करी। खुले तब कौड़क सब्जी बन लागी कौड़क तो फ्रेंड पानी की वजह से मैंने छोले नहीं बनाए, उसे बनाऊंगी मैं शाम को। और अब बन रही है कोहड़ा की सब्जी। अरे हो गया देखो, जब मैंने ना सब्जी दूसरी बना ली तो पानी भी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी चलो उसे फिर से बनाती हूँ, आज दो सब्जी हो जाएगी, अच्छी बात है साथ में। और ये देखिए मेरे भटूरे कैसे, मैंने कहा था ना कि मैं फर्स्ट बार बनाने जा रही हूँ, तो ये मैदा के नहीं फ्रेंड, आटे का है, गेहूँ के आटे का, लेकिन बहुत अच्छी के तरीके से बन रहे हैं। आटा लगाया था हमारे तुलसीदास ने, इसी को चपक गैस पकड़ने। और ये सब्जी भी वही बना रहे हैं, छोले मैं बनाऊंगी, मुंह पर न मार भी है। तो हम दोनों लोगों की कुकिंग कैसी लगती है देखिए। हाँ ठीक है, वो पूरा गल गया, बंद कर दो। अरे तो पानी था, पानी नहीं वो होगा और गलते जाएगा। हाँ तो चालू कर दो, पूरा गल के वो है ये तो कौन से खड़े हो जाएगा पूरी बना बत रहे हम तो वो सब्जी के लिए। फ्रेंड मैं बना रही थी, झूठ बोल रहे, सिर्फ सब्जी बनाई इन्होंने और आटा लगाया, कितना सॉफ्ट है देखिए, एकदम मुलायम आटा है, इसलिए बढ़िया फूले फूले बन रहे हैं, मुझसे इतना अच्छा नहीं होता है। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, खाना वाना बहुत बढ़िया बना देते हैं, इसीलिए हर वक्त मुझे धमकी देते हैं कि मैं भूखा नहीं रहूँगा, नहीं भी बनाए। सबकी सबका झगड़ा होता है मियाँ बीवी में, तो बेचारा पति सोचता है कि अगर आज खाना नहीं बनेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन इनको ये टेंशन नहीं है, ये बात है ना। अभी इतना अच्छा तारीफ कर दी, कुछ तो थैंक यू उनको कभी बोल दिया करो, वो तो हर घर में जरूरी है, अगर पत्नी झगड़ा ना करे और रोज न दे तो पति के काम चले जाना का कहां जाए गुजर जावे, तो फिर दादी तो ते छट चिट गई जलम बनाई दे जा। हां जगह छोटी पड़ रही है इसलिए। हां जा है ना।
चलो अभी रख दो ना छोले उबलने। अभी जाते हैं फ्रेंड, दोनों सब्जी साथ में बनेंगी लेकिन पहले खा भी लेंगे, भूख बहुत तेज लगी है। और अभी हो रहे हैं शाम के, बज रहे हैं शायद 3:30 कि अब ये बना रहे हैं। देखे तुलसीदास ने जला दिए भटूरे, कहाँ जला दिए, फर्स्ट क्लास एकदम पूरी है देखो। चलिए आज मेरा छोले बनेगा लेकिन नाइट में, पहले अभी हम लोग खाएंगे खाना, बाद में शाम के लिए ये होगी सब्जी, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। कल मेरा उपवास था छठ का और अभी तक 4 बज गए फ्रेंड, लेके खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय और एक बिस्किट। और एक तो सर्दी से तेल लगा के बना, हमारा भी व्रत था, हमारा उपवास रखा ही था। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा उपवास ही रहते हो। कल कम से कम 5 या 6 बार खाए यार, इनका व्रत था। गुलाब जामुन में खाया हो तो रसगुल्ला, तो गुलाब जामुन से का गुलाब जामुन बोलते हैं काला वाला, तो गुलाब जामुन को पास में खाते हैं। पहले सुबह में फ्रेंड ने रोटी सब्जी खाए, उसके बाद क्या था, गुलाब जामुन खाए है ना, है? पहले हाँ देखा, पहले इन्होंने रोटी सब्जी खाई, गुलाब जामुन खाया, फिर उसके साथ महुआ दही, उसके बाद वो जो पूजा का चावल मैंने बनाया था फसई का वो मैं खाई, तो मेरे साथ उन्होंने भी वो भी खाया। नाइट में हमारे यहाँ फ्रेंड 1:30 बजे पोहा बना था, वो खाया, तो 5-6 बार खाया, कहते मेरा उपवास था। ऐसा उपवास होता है, तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखिए तुलसीदास की कुकिंग। एक हाथ में पूरी बन रही है, एक हाथ में सब्जी चला रहा हूँ, बोला कितना काम करते हैं सब, सब्जी दिन में गाली एक आध दो बार खा ही जाता हूँ। देखो कहते हैं कि बुराई नहीं करना चाहिए बीवी की, खुद करो बुराई है, कहीं लगे हम बढ़ाई है, बढ़ाई है बोल रहे कि 2-3 बार में, अभी तो गैस ही नहीं खा ली, किसमें रखें। चलो ठीक है, पहले खा ली मैंने लगती है, चलो ठीक। हाँ एक आटा ना तेज तेल तो उठे रखे हो, गैस तो कैसा लगा ये खराब हो गया ना। हाँ देखो इनसे अच्छा नहीं बना, दिखा दिखा दिखा। हाँ ये तो कम ज्यादा होता रहता है ना, कड़क हो गया और क्या। पानी चालू है टंकी में, आज पानी के इतना दिक्कत हो गया, जैसे कबो नहीं कर रहेगा। चलो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी, कोहड़ा की सब्जी है और एक गर्मा गर्म पूरी। करते हैं आज जन्माष्टमी की स्पेशल पार्टी अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर के साथ, तुलसीदास तो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं, आप लोगों के कमेंट से ही हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे वीडियो बनाने में भी क्या कहते हैं सपोर्ट होता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो हम आपके लिए रोज एक ब्लॉग वीडियो लेके आएंगे तुलसीदास के साथ। चल टाइटल ना खोल दिए, पूछ रही हूँ वो कुछ भी बोलते हैं, चलो उसका एक पूरा बना लो, ठीक है वो तो खाइए इतनी मोटी खा लोगे, बोला ना कि बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा गैस स्लो कर दिया करो, गैस वैसे भी नहीं आया। अरे इतना पूरा एक बना लेना ना, इतनी बड़ी पूरी बनेगी, ये देखिए या है रोट का कहते गाठ ना, वो ये में बन रही ना। हाँ हम बच्चे छोटे छोटे होते हैं बन रही, ऐसे पहले बनती थी पुराने जमाने में फ्रेंड, बेलन नहीं रहता था तो ऐसे देखिए बनती थी गाठ। मैं तो नहीं खाई हूँ क्योंकि मैं शहर की हूँ, ये देहाती है, इन्हें सब पता बन गई, ये है गाठ क्या है मैं। अरे खाएंगे तुलसीदास, तो ये आ चुके हैं तुलसीदास लेकर घाट। अरे देखिए परात में क्या कहते कोपरिन में, ये दलीनी सब सारा खाना कच्ची हो गई, सब्जी पूरी पानी कच्ची हो गया, दिखाओ और थोड़ा कड़क सेकला था ना, कैसे मन करिए हम बन चलो ठीक है, जल्दी जल्दी में हो गया, थोड़ा जल्दबाजी में भूख भी लगी थी और सोचे कि कितना जल्दी खाए इसलिए जल्दबाजी में निकाल लिए। तो थोड़ा आप लोगों के लिए आज भोजपुरी ट्राई करती हूँ फ्रेंड, अगर कैसा लगता है उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो रघुआ लोगन अपन क्या कहते रघुआ लोगन
रहुआ लोग आप ही बताई कि हमने के वीडियो को ब्लॉग वीडियो शॉर्ट वीडियो कैसा लगा था नहीं, और खास करके हमारी तुलसीदास के साथ वीडियो सही लगा था कि रहुआ के अकेले के वीडियो कमेंट करके बताई है चलो। सही ऐसे बोलते हैं ना, ट्राई कर रहे हैं। सही कहा है कि आप लोगों को भोजपुरी साथ ज्यादा पसंद आती है फ्रेंड, इसीलिए तो अरे उतना ज्यादा नहीं आ रहे भैया। अब बाबू अभी तो बच्चे मेरा सो रहे हैं, बताइए आज छुट्टी थी जन्माष्टमी की, इसलिए फ्रेंड। अरे देखिए कहाँ आ गया, मैं सब्जी साइड से पकड़ा लिया। अरे हमारे कहाँ का ये, हमारे सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के लिए देखिए ये सब्जी, और पूरी जन्माष्टमी एंजॉय कीजिए और आप लोग भी खा लीजिए। आइए को राधे राधे, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उपवास सबको हो तो पूरी सब्जी ना खाएं, पूरी सब्जी ना खाएं। हमारा तो उपवास नहीं है दोस्तों, हम तो पूरी सब्जी खा रहे हैं, कल हमारा उपवास था। अब मेरी बाँ के बिहारी लाल से प्रार्थना है कि सारे जग का कल्याण करें, जैसे उन्होंने त्रेता द्वापर युग में किया था इस कलयुग में भी करें। जय भगवान। तो फ्रेंड हम यही कि भगवान से कामना करते हैं कि जो आजकल हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सरकार से गुहार है, प्रार्थना है कि आप पहले अखंड भारत बाद में बनाइए मोदी जी, पहले बेटी सुरक्षा बनाइए, बेटियों को जैसे आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी सुरक्षित रहेंगी तभी तो बचेंगी, तो ये आपकी जवाबदारी है। माँ बाप का तो कर्तव्य है अपने बच्चों की रक्षा करना, लेकिन उससे बढ़कर आपकी है, तो आप करिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक